नमस्कार सभी भाइयों को और अपने एक नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग है, काफ़ी टाइम हो गया था बाहर घूमे फिरे हुए, एग्जाम्स वगैरह चल रही थी, क्या क्या चल रहा था। तो दोस्तों आज एक नया टूर बनाया है और आपको एक नए जगह के एक्सप्लोर करवाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस है मेरी खुद की लाइफ का भी। तो दोस्तों अपने और कुछ मित्र और हैं, सबसे मिलवाएंगे और हम जा रहे हैं बूता कोव का। तो रात को अभी भाई 12 बज रहे हैं, टेंट वगैरह जा करके लेना है एक शॉपिंग से, सब कुछ भाइयों ने जिनको जो सामान दिया गया था सब रख लिए हैं, मुझे जो सामान दिया गया था वो मैंने रख लिया है। और मुझे कुछ थोड़े बहुत पैसे निकलवाने हैं, तो पैसे निकलवा करके हम चल रहे हैं वहाँ, टेंट लेकर के टैक्सी करके सीधे बूता कोव का चलते हैं और वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। और जो जो रास्ते में होता है क्या सीन बनता है वो सब आपको दिखाएंगे और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई। भाई दूसरी बस पकड़ूंगा यहाँ से 99 नंबर, तो जहां से मुझे टेंट लेना उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। सभी भाई वहाँ टेंट, जहाँ टेंट ले रहे हैं उस लोकेशन पे आएंगे, वहीं से टैक्सी करेंगे। तो अभी 99 बस का वेट कर रहा हूँ, फिर उसमें सीधे चल करके उस लोकेशन पे पहुँचता हूँ भाई। तो ये वो शॉप है जहाँ से हमें टेंट लेना है, तो यहाँ से हमें टेंट बुक करना है। अंदर ऑलरेडी प्रिंस गया हुआ है, तो मैं चलता हूँ अंदर। तो ये भाई ऑलरेडी अंदर यहाँ से टेंट वेंट ले रहा है और ये सोफा भाई रस्ते उते। तो ये ओनर है भाई मैगजीन शॉप के। तो भाई यहाँ पे मैं एक बार आपको मैगजीन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो जो भी सामान है यहाँ पे ये भी है, जैसे कुछ अपने को वहाँ के लेके जाना हो, ग्रिल व्रिल करना हो, और ये सारा सामान है कुकिंग वुकिंग का भी। ये अपने राम गोपाल सामोता जी भी आ गए हैं, काफी लेट आए हैं भाई। और आपको मैं ये मैगजीन का और सिस्टम दिखा देता हूँ, अंदर कैसे क्या है तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। ये हर प्रकार का किट का यहाँ पे जो भी सामान है, टेंट वेंट बड़ी मैगजीन है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी क्या शॉप है ये है भाई। भाई अब मैं बताता हूँ हमने क्या क्या टेंट का सामान लिया है। ये तो भाई हम 6 लोग हैं, सर 6 लोगों के हिसाब से जो नीचे बिछाने की मेट आती है ना वो है। और भाई इसके अंदर है ना जो सर्दी का जुगाड़ है ना, ओढ़ने का सिस्टम वो है, तो दो दो कर करके इनके अंदर है, ऐसे 6 हैं। और भाई ये दो है ना ये टेंट है, तो एक टेंट की कैपेसिटी इसकी एक ही 3 लोगों की, तो इस हिसाब से लोड कैमरे के ऊपर भी कर लेते। 2 टैक्सी की है 3-3 बंदों के हिसाब से। अपने मेंबर से मिला देते हैं, ये राहुल है, ये ऋषि भाई, और सामान वामान रख देते हैं भाई। हमारी टैक्सी आ रही है राम गोपाल भाई और अक्षय भाई, तो पूरा सामान हाथ में है, बस दूसरी टैक्सी में हम चलते हैं। ये पहले हमारे पहले निकल रहे हैं, निकल गया प्रिंस, काफी खुश है। तो भाई प्रिंस निकल चुका है, हमारी टैक्सी आ रही है, ये देख लो काफी खुश हो रहा है ये बंदा। तो भाई हमारी टैक्सी आ गई है, 934 है, सामान रख देते हैं एक बार हम। बैठे हुए अराउंड हमें हो गए 25 मिनट हो गई, और अभी 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। यानी अराउंड जहाँ से हमने टेंट वगैरह लिया था ना, वहां से बूता कोव का था 30 किलोमीटर के आसपास होगा बस। राम गोपाल 15 किलोमीटर के आसपास था, तो हमने मतलब मैंने सोच रखा था ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से ज्यादा नहीं था। तो भाई मैं अब आपको, हम आज रात को वहाँ नाइट में स्टे करेंगे और हमने वहीं पे खाना वाना बनाएंगे। खाना में क्या बनाएंगे हम, पनीर वगैरह लेके आएंगे, या तो उनको रोस्टेड उस टाइप में करेंगे, पनीर की सब्जी बनाएंगे वहीं से लकड़ियाँ वकड़िया इकट्ठी करके, और रात को वहीं पे रुकेंगे। तो एक कैसा एहसास होता है, मतलब कि एक ऐसे जंगल में रुकने का, टेंट वेंट लिया ही है तो भाई जानवरों का खतरा भी है, तो उसी चीज को देखते हुए एक कैसा एक्सपीरियंस होता है
तो उसको आज हम फील करेंगे। फर्स्ट टाइम हम जितने भी 5-6 मित्र हैं सभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हम फोर्थ ईयर हमारी चारों की कंप्लीट हो, हम जो भी 6 सेम ईयर के अंदर हैं फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गई हमारी। तो अब कुछ दिनों बाद अब हम वापस सब घर पे भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कितना एस्टिमेशन खर्चा आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंट हमारे पड़ा है 13,500 टेंगे का, जिसमें 6 लोगों का टेंट तीन तीन कर करके, तो 13,500 टेंगे INR के अंदर होते हैं लगभग अराउंड 2200 रुपए के आसपास है, 2200 रुपए के आसपास होते हैं ये टेंट का खर्चा है। और हमने जहाँ से टेंट वाले दोस्ती प्लाजा के पास में था वहां से टैक्सी की है, तो भाई एक बंदे एक टैक्सी हुई है 2450 टेंगे की, यानी अराउंड 500-450 रुपए की टैक्सी हुई है एक, ये टैक्सी का खर्चा है। बाकी भाई अपने खाने पीने का खर्चा है, तो ये खर्चा है, बाकी इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। कैसा व्यू है सब कुछ आपको दिखाएंगे और वहीं पे चल के आपसे बात करेंगे। तो भाई अभी पीछे एक चेक पॉइंट आया था, वहां से हमें टिकट लेना था। तो ये एक बोताकोव का एक यहाँ का नेशनल पार्क मान लो या एक पहाड़ी कुछ भी मान लो, उस तरह से एक जगह है, ये टूरिस्ट स्पॉट जगह है। तो हमारे पर पर्सन 500 रुपए का टिकट कटा है। और भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी टूरिस्ट आ रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बीलाइन की सिम थी, टेली2 की सिम थी, कि कोई भी सिम काम नहीं करी यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ एक एयरटेल की सिम थी, उसका वाईफाई काम किया था। तो खैर अगर आप आते भी हो और आपके पास सिम है तो वैसे आप वहाँ पे जो काम करने वाले बंदे थे ना उनका वाईफाई यूज कर सकते हो, वहां से कास्ट पे पेमेंट कर सकते हो, बाकी आप कैश चाहो तो कैश लेके आना, ये इतना कह सकता हूँ क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो भाई अब चलते हैं आगे का सफर। अभी हमारे जो प्रिंस वगैरह थे वो बंदे हमारे से 2-3 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, तो फिर वहीं चल के आपसे बात करते हैं आगे। और राम गोपाल हमारे साथ भाई बना हुआ है, तो भाई काफी दिनों के बाद भाई के साथ वापस सभी आज टूर बनाया है, आगे अक्षय भाई है। तो भाई काफी इंजॉयबल और मस्त सफर रहने वाला है। तो आप अगर कोई पहले आगे कभी किसी ने कैंपिंग की नहीं है तो हमारा व्लॉग देख करके आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो हमें देख करके आप सीख सकते हैं क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, क्या किस तरह से। तो भाई ये हॉर्सेस देख लो, यहाँ कजाकिस्तान में हॉर्स काफी फेमस है। बस आती है लेकिन बस आगे छोड़ती है, मेरे को लगता है सामान निकालते हैं। ड्राइवर को भाई कैश दे दिया है और यहाँ जहाँ उतरे हैं भाई काफी भीड़ है, काफी टैक्सी है और ये व्यू है यहाँ का। अब यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ेगा और ये काफी लोगों ने यहाँ पे जगह जगह पे टेंट लगा रखे हैं। सारे भाई एक साथ हो गए हैं, अब हमें चलना है भाई इधर इस साइड। बाकी आप देख व्यू तो देख ही लो कैसा क्या सीन है यहाँ का। ये भाई यहाँ का बोताकोव का मैप दे रखा है, अब कुछ समझ में आया आप तो आप देख लेना। काफी लोग अभी से थक चुके हैं, अभी तो कुछ चढ़े नहीं है, प्रिंस थक गया है। मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ यार। भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं था कि चले नहीं भी दो, 100 मीटर भी नहीं चले भी दो, बहुत भीड़ है भाई। ठीक है भाई, जगह तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई नेक्स्ट व्लॉगर व्लॉगिंग बना रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा, बोल तो सही कुछ। तो बस यही कह रहा था कि जैसे कि आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। हाँ तो हमारा जो है प्लान, हाँ कैंपिंग का प्लान है, तो हम ऊपर बिल्कुल झरने के पास जाकर के लगाएंगे टेंट वगैरह। ठीक है, और बस बने रहिए। भाई अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम चलेंगे यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर आगे, फिर आगे चल के बिल्कुल शांति में जहाँ कोई लोग बाग नहीं होंगे वहाँ हमारा टेंट लगाएंगे, वहाँ आराम से बैठेंगे
तो यहाँ नहीं बैठे भाई। तो भाई ये देखो, अब यहाँ से दोस्तों हवा ठंडी ठंडी चलने लगी है, झरने बह रहे हैं और वो हमारे राहुल भाई थक गए हैं और बैठ गए हैं पत्थर पे। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे हमने वो किया, रेस्ट किया है और अब सीधे अब चलते हैं आगे। और हमारे अक्षय भाई भी थक चुके हैं भाई, तो इनको भी रेस्ट की जरूरत थी ज्यादा ही। ठीक है, चलते हैं, जैसा है दिखाते हैं आपको। तो भाई 1 किलोमीटर चल चुके हैं ट्रैकिंग में और यहाँ से कुछ अब थोड़ा सा अलग नजारा आ रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये पूरा सामने वाला पहाड़ है ना, ये अब दिखने लगा है। दो पहाड़ है, उसके पीछे एक पहाड़ और है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं शांति से, अपने एंजॉय कर रहे हैं। ये देख लो भाई, घोड़े एक आम बात है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वापस किए हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको भाई एक अलग व्यू। ये देखो हमारे पीछे से कुछ शख्स ऐसे हैं, बातें कर रहे हैं उकचुक। ये देख लो आप व्यू यार, जंगल टाइप है भाई। यहां से एक बार व्यू देखो, कितना मस्त व्यू आ रहा है यार। एक बार दिखा देता हूँ मैं, कैमरा रोटेट कर रहा हूँ एक बार पूरा। भाई छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है सामने, देख लो कोई बंदे हैं, कश्मीर वगैरह लिखे गए हैं, कई अपने जगह जगह के नाम लिख के जा रहे हैं, कोई अपना नाम भी लिखा है, तो प्रिंस भी अपना नाम लिख सकता है यहाँ पे। इच्छा तो जाहिर कर रहा है ये, प्रिंस रिलोडेड लिख गए परमानेंट। ये देख लो भाई अलग अलग, बंदूक रिलोडेड है या फिर नहीं, ये रिलोडेड है भाई। रजनीश नाम लिख दिया मैंने, सबका नाम लिख दिया यहाँ पे। अरे यार मना बोल रहा हूँ, बस वाला प्रिंस का, अक्षय का, इधर मेरा। चलो ये तो भाई यहाँ से बुतागोगा सारण कमासी, ये 1.1 किलोमीटर बचा हुआ है। ये व्यू देख लो, इस व्यू को हम क्रॉस करके अब ये पास में ये झरने आ गए और ये कुछ बर्फ जमी हुई है, और इस व्यू को क्रॉस करके हम दोस्तों जा रहे हैं आगे उस रूट पे। तो चलते हैं भाई, सफर अभी भी बचा हुआ है। और भाई आप देख सकते हो पसीने तो आ ही गए हैं और काफी थकान भी हो गई है, लेकिन वहीं पे चल करके आगे रेस्ट करेंगे। मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, बाकी सब आगे निकल गए। भाई यहाँ से अब अलग रास्ता चालू हो गया है, ये एक छोटा सा रूट है, अलग साइड में से रास्ता बना हुआ है। तो भाई देख सकते हो कैसा क्या छोटा सा एक रूट बना हुआ साइड में से, इसमें से होते हुए चल रहे हैं। और भाई यहाँ से अराउंड 2.5 या 3 किलोमीटर आगे एक बड़ा सा वाटरफॉल है, जो कि माउंटेन के ऊपर से गिर रहा है। तो उस वाटरफॉल से होते हुए ये नीचे जो छोटा सा झरना बह रहा है ना नदी टाइप में, ही वही से आ रहा है पानी। गए भाई बहुत ज्यादा। और ये कुछ मित्र यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, काफी थक चुके हैं भी, बिल्कुल जंगल है भाई, अमेजन के जंगलों में खोए हुए हैं अभी। फिर गहरा जंगल चालू होता है, ये देख लो इसी तरह के पेड़ ही पेड़ है। रात को यहाँ पे भालू वगैरह इस तरह के जानवर रहते हैं, तो अभी तो बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, पसीने वसीने सुखा रहे हैं और फिर जो ये रूट बना हुआ है इससे आगे चलते हैं। और ये भाई कांटेदार पेड़ है बिल्कुल, आप पास में से देख लो इनको, इस तरह से लंबे लंबे पेड़ है ये सारे। दूर दूर तक भाई सिर्फ ऐसे ऐसे हैं, आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे बड़े बड़े बस सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो भाई फिलहाल हमें यहाँ पे हमारे कुछ पुराने मित्र लोग भी मिल गए हैं, यहाँ पे इन्होंने टेंट लगा रखा है। अरे देवेश, अरे फ्री है ये। तो भाई इस रास्ते को क्रॉस करके हमारी विक्रम भाई क्रॉस करवाएंगे हमें, ये हमारी टूर गाइड है भाई यहाँ के। चप्पल में ऊपर से
साथ में सामान लिए हुए हैं और यहाँ से निकलते ही टूर गाइड विक्रम पटेल। काफी कठिन रास्तों से होते हुए चल रहे हैं हमारे नौजवान साथी, किसी ने अभी हौसला हारा नहीं है अभी तक। अमेजन के जंगलों में खोए हुए हैं दोस्त, घोड़े की तलाश में है। कज्जू बैठ गए तुम्हारे लोकेशन में। पर दोस्तों ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। कर सकते हो, पूछ सकते हो, अगर मतलब अगर वो खाना खाते हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, ठीक है, पूछ लो। हाँ, और हम जहाँ आए थे ना, हमारा जहाँ कैंप लगा है, ठीक है, उधर भी कज्जू पिकनिक में आ रहे थे, ठीक है, बोले हम खाना खा के चले जाएंगे। तो एक बार पूछते हैं। तो भाई आपको यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे हॉर्सेस दिख रहे होंगे, काफी क्यूट क्यूट। आप मेरे पीछे काफी प्यारे प्यारे भाई हॉर्सेस देख रहे होंगे, देखे वहाँ पे खाना बना लेना। तो अभी तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि इस जगह हमारा टेंट लगा है, लेकिन हम भाई यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोकल लोगों ने लगा रखा है, तो हम देखे जगह तलाश करते हैं कोई अच्छी, यही है, उसके बाद में देखते हैं क्या सीन है। तो भाई वहाँ पे कुछ लोकल लोग थे, उनसे हमने बात की कि यहाँ पे टेंट लगाने की सही जगह है या नहीं है, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। तो भाई वो बंदे बोल रहे हैं कि हम यहाँ से 15-20 मिनट बाद लीव कर देंगे, पिकनिक मनाने आए, सिर्फ यहाँ पे स्टे करने नहीं आए। तो ये हॉर्सेज नहीं, तो यहाँ ऐसे चढ़ते रहेंगे, बाकी इन्होंने बोला कि यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा जो टूर गाइड है विक्रम, वो हमें गाइड कर रहा है कि कैसे क्या कौन सी जगह ठीक रही, किस पे हमें डायरेक्शन रखनी है। अब यहाँ से हमारे टूर गाइड विक्रम पटेल को हम जलेबी खिला के विदा करते हैं और इनसे मिलेंगे नई मॉर्निंग के अंदर। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, और अपने व्लॉग की दूसरी सीरीज यहाँ से चालू होगी, ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगी। विक्रम आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों कैंपिंग में, शाम को दिखाते हैं आपको अगला मॉर्निंग।